होती है? अवैध कटान है, इसमें एक्चुअली नहर विभाग को इस पटड़े पक्के करने के लिए कुछ पेड़ों की स्वीकृति दी गई थी जी। तो इन्होंने ये देखा कि मोटरों की कटर की आवाज़ आ रही है, पेट्रोल की मशीनें मोटरसाइकिल की तरह आवाज़ देती है, कर कर करके खूब आवाज़ आती है। तो ये पांच सात जो दस समस्या है जी, पूरी समस्या ही है। पानी जो जिम्मेदारों का 17 दिनों तो पानी आता है, तो पूरा लग नहीं रहा था, समस्या ही है। मतलब बार बार गुट बना के हमारे साथ ये दुर्व्यवहार कर रहे हैं काश्तकारों के साथ। तो इन पर क्या है कि प्रशासन को ध्यान देना, काट रहा है उसको कह भी सकता है, उन्होंने आवाज लगाई कौन काट रहा है, तो उन्होंने वो जाति सूचक इनको पहचानते तो है ही, गालियां निकाली, उनके पीछे ट्रैक्टर दिया, वो दौड़ के दूसरी फाल है वहां से पार करके दूसरी साइड गए, निकाल निकाल थक गया, फिर बिन रात ने ये नोक दिया मैं, फिर आवे तो हम आजा, मुझे पता नहीं चला, कोई ये पता रहते कि गांव वालों ने उनके साथ झगड़ा किया, मेरे को तो उस चीज का कोई नॉलेज नहीं था। अगर ऐसा नॉलेज होता कोई झगड़े का तो हो सकता मैं स्कूल भी नहीं जाता, मेरे को कोई पता नहीं था। मैं मेरे स्कूल में अपने अध्यापन कार्य करवा रहा था। राम राम, नमस्कार दोस्तों, जय राजस्थान, जय राजस्थानी और सुदेश राजस्थानी, हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। आज मैं खड़े हूँ संतोष नगर के मायने। संतोष नगर में भी एक ईसो ही वाक्य देखने मिलो है। डिकोट FIR ने करूँ तो इनके मुताबिक अवैध रूपों कीकर काटा जा रहा है, लेकिन रोकने पर बांसा के मारपीट और गाड़ी गलोच है जो करी गई है। बता दियो जावे कि कीकर की मतलब धारा सही है जो एकदम करी गई है, और एकदम नहर के पटड़े पर है जो ईटम खड़ा हाँ, अवैध रूपों कटाई है जो करी गई है, और भी बाद में वो मामलों पहुँचता पहुँचता एक सरकारी शिक्षक तक पहुँचो, बठे भी पहुंचा का बठे भी बातचीत करांगा कि आखिर बात है जो बातचीत की हुई है। कोलायत विधानसभा क्षेत्र को एक चित्र बता रही हूं। हेलो सर जी, नमस्कार, बात कर लूं? नमस्कार सर, नमस्ते नमस्ते सर, ये जो प्रकरण हुआ है नहर पे, ये क्या हुआ है सर? मैं आपको 20 मिनट बाद बता पाऊंगा, कहीं मीटिंग में हूं। अच्छा, मीटिंग में हो गया, आपके नंबर मुझे भिजवा दो, मैं आपको कॉल करूंगा। अच्छा अच्छा, ठीक है सर। और रेंज अफसर अवेलेबल है, आप बात कर सकते हैं उनसे। नहीं, ये मतलब इतना बता दीजिए सर कि अवैध हो रहा है या फिर आपकी निगरानी में हो रहा है, सर इतना बता दीजिए। अवैध कटान है, इसमें एक्चुअली नहर विभाग को इस पटड़े पक्के करने के लिए कुछ पेड़ों की स्वीकृति दी गई थी जी, और उन्हीं के ठेकेदार द्वारा इसका पातन किया जा रहा है, उन्होंने इसके पैसे जमा करा दिए हैं फॉरेस्ट में जी, बट चूंकि वो शायद नहर का पटड़ा पक्का हो चुका है, अब जो शेष संपदा बची है उसको ये गांव वाले अपनी मानते हुए काट रहे हैं, मतलब अब अवैध कटान कर रहे हैं। ठीक है सर। इसके अगेंस्ट कार्रवाई के लिए वहाँ होमगार्ड्स भी लगाए हैं और कुछ गार्ड्स भी लगा दिए मैंने परमानेंट, दोनों दो नहरों पे शायद कुछ प्रॉब्लम है। ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू। अब परसों रात ने 12-1 बजे नर्सरी जो अहमद वाली माइनर पे नर्सरी है, यहाँ पर दो पिकअप और एक ट्रैक्टर ट्राली ये लकड़ियां काट रहे थे। आरा मशीन, ये कटर मशीन आती है जो पेट्रोल पे चलती है, उन मशीनों से कटाई करते हैं और कटाई करके वो अवैध रूप से बेचते हैं। तो जैसे काश्तकारों को पता पड़ा इस नहर में बरसलपुर ब्रांच की जो पैराइटी उसी दिन शुरू हो रही थी, तो काश्तकारों ने जैसे नहर संभालने के लिए टैल के काश्तकार हमारे 9-10 जो टैल के चक है वहाँ पानी कम पहुँचता, इसलिए वो काश्तकार रात को जैसे नहर सुनते हैं कि नहर 6 बजे खुल गई है बरसलपुर ब्रांच 860 से, तो वो तैयारी करके नहर में जो झाड़ झंखाड़ ये कीकर वगैरह पड़ते हैं उनको निकालने के लिए नहर संभालने के लिए पहुंचते हैं। तो उस दिन भी ये रात को वहाँ से रवाना हुए। जैसे यहाँ आए तो इन्होंने ये देखा कि मोटरों की कटर की आवाज़ आ रही है, पेट्रोल की मशीनें मोटरसाइकिल की तरह आवाज़ देती है, कर कर करके खूब आवाज़ आती है। तो ये 5-7 जो दस थे ये आए, इनको रोकने की कोशिश की, तो इन्होंने इनके कहने के मुताबिक इनको अब शब्द कही, गाड़ियाँ निकाली और इसमें नूर खां, अकू खां, मकबूल खां, मम्मी खां, मसू खां, सरवर खां, हुसैन खां, सरवर खां, रोशन खां, अलीमंद खां, ये जागरणवाला के निवासी है उनके साथ में और भी, और ये तो इनको तो इन्होंने पहचाना है, बाकी 15-20 लोग थे ताकि वो जो लकड़ी गाड़ी में लोड कर सके, और काट तो सभी रहे थे, ये उनके मुखिया थे। तो ये लक्ष्मण दान पहुँचे, मैं पहुँचा उस टाइम, एक लड़के को यहाँ बैठा रखा था, उसके हाथ में कटर था और एक और लड़का था, नाम तो मुझे याद है, भूल रहा हूँ, उसके हाथ में कुल्हाड़ी थी, वो यहाँ फाल पे खड़ा था। भाई आप रात को इस टाइम ये जो पेड़ पौधे काट रहे हो, उसके बाद जो टैल के काश्तकार है उनके आप गले पड़ते हो, गाड़ियाँ निकालते हो, अपशब्द कहते हो, ये कहाँ का है? प्रकरण आए हैं, लकड़ा वढ़ दिया रात में, ते चाफे विच डिग पैंदे है ते पानी रुकदा है काश्तकारां दा अखीर आलें दा। अच्छा, टैल पर पानी सही तरीके पहुंचा पहुंचदा नहीं, और यूं कितनी समस्या आ रही है? समस्या ही समस्या है जी, पूरी समस्या ही है। पानी जदों जिम्मेदारां दा 17 दिनों तो पानी आउंदा है ते पूरा लग नहीं रहा, समस्या ही है साहब। है मारे नैनू राम जी रे सगड़ा है जगह टैल रा काश्तकार है,
टाइम नहर आने की जी टाइम संभावना हुआ नहीं भाई, हम दो एक दिन पहले छुट्टी है, रोजाना में वार्तालाप करता रहे वेलदार तो ठेठ मुडू ले रहा टहल तक नहर नहीं सफाई करे, तो ए तीन दिन लगातार सफाई करी और लकड़ी बाड़ने वाला जगह सामाजिक तत्व भेड़ा गुट बनार काम करे बे नहर ने भर दे बार बार और ए कहीं करे तीन दिन खाली करने बाद में मना करी भी थे लकड़ी ना काटे अगर काटो तो नहर में मत काटिया बीरे बावजूद बैठ नहर में लकड़ी काटी। फिर रात ना आया आपस में कोई थोड़ी बहुत बातचीत हुई और एक जने कोई मसूखा मसूखा है बिन आया झाल्यो या बिन धमकायो जो भी करियो बीर बाद में दूसरे दिन गुट बनार ई संतोष नगर गांव रा कास्तकार जगह अठाया बीरो मतलब कहीं विरोध कर बे स्कूल रमाने जगण वाला स्कूल रमाने बार कर गुट बनार कब्जो कर लियो मास्टर सागे मारपीट करी। जो सरकारी स्कूल में जो वाक्य हो बे मास्टर जी संतोष नगर तालुकात रखे नगर है बे चारण है पंकज जी नाम है और इस ड्यूटी मारी है जी जगण वाला है तो बार सागे मतलब कहीं बे दुर्व्यवहार करियो आ चीज है जी मतलब ऐसे नहीं है साहब उन्होंने उसको घेर के रखा फिर पुलिस आई और फिर उनको घर पहुंचाया पुलिस ने। तो ये मतलब बार बार गुट बना के हमारे साथ ये दुर्व्यवहार कर रहे हैं कास्तकारों के साथ तो इन पर क्या है कि प्रशासन को ध्यान देना चाहिए पुलिस को भी कार्रवाई करनी चाहिए नहीं तो फिर यहाँ और रंग चढ़ जाएगा। जी थारी जमीन है हमारी जमीन है 7 एमए सर। मैं दिन में 2 दिन एक किकर साफ कर गया टहल वाला कास्तकार करने बाद में दूसरे दिन सुबह आर देखे वापस नहर की किकरों भरीज गई जब हमारे कहने नैनू राम देर आ गया कास्तकार टहल वाला साथ इकट्ठा होकर मैंने कहा लक्ष्मण दान जब अपार नहर में किकर पड़ा है मेरे रेंजर ने फोन करियो गार्ड ने करियो सीसीएफ को फोन किया डीएफओ को किया उन्होंने कहा हम रुकवाते हैं और अब नहीं होगी कटिंग। फिर उसी दिन पानी खुलना था नहर में पेराइटी थी शाम को यहाँ जैसे पानी खुलता यहाँ पानी पहुंचता लगभग 12-1 बजे तो जो कास्तकार है टैल वाले वही संभालने के लिए आते हैं पानी पानी के साथ में चलते हैं ताकि कहीं कचरा वगैरह आ जाए बंद ना हो जाए वो नहर संभाल के आगे चले गए पीछे से इन्होंने कटर से वो कीकर काटने शुरू कर दिए पानी पहुंचा ये आगे चले गए घर खाना खाने के लिए पानी देख के एक बार नहर देख के वापस गए वापस आए तो कीकर पानी के अंदर फाल के अंदर आ गई और कटर चल रहे हैं साथ में फिर उन्होंने वहां से निकाले देखो आदमी परेशान हुआ हुआ किसी को आवाज भी लगातार सामने काट रहा है उसको कह भी सकता है उन्होंने आवाज लगाई कौन काट रहा है तो उन्होंने वो जाति सूचक इनको पहचानते तो है ही और गालियां निकाली उनके पीछे ट्रैक्टर दिया वो दौड़ के दूसरी फाल वहां से पार करके दूसरी साइड गए और सुबह मेरा छोटा भाई है जो जागरण वाला में टीचर है उस बात को उनको पता था कि लक्ष्मण दान यहाँ इनके साथ में आया था हालांकि हमारी कोई ऐसी कोई बात नहीं हुई थी उन्होंने मारपीट की गालियां उन्होंने निकाली सुबह 11 बजे सारा एक राय होके और उन्होंने स्कूल का घेराव कर दिया और मास्टर को वहीं 4 साढ़े 4 घंटा बंधक बना के रखा वहां पर। अच्छा। और पुलिस पहुंचने के बाद में भी अगर वहां के मौजूद आदमी वो तब तक नहीं पहुंचते हैं और कोई कार्रवाई नहीं होती है उसके बाद सरकारी शिक्षक ने 4 घंटा बंधक बना के रखा है और मौजूद आदमी वहां नहीं पहुंचते हैं और पुलिस खुद आके उसको घर छोड़ के जाती है कटाई डेरा मोह नौ देवे फिर मैं निकाल और आज 3 दिन हो गया पहली निकाल थक गया फिर बिन रात ने यो नोक दिया मया फिर आवे तो अठे हम हो जाए मोने मारो थारो टेल में के हां टेल में 10 एम में ठीक है ठीक है। और हाँ जी थे कटवाए आप नो एम टेल रहा हूं अध्यक्ष हूं नहर रो अच्छा नहर का अध्यक्ष हो हां के हो रियो है नहर में मतलब नो जगह सही है रही मैं आई हुए मम आगे पानी पहुंचे के आगे पानी पहुंचे तो मैं रात ने कौन गोता खाऊं मैं को देखने थोड़ी आऊं रात ने 15-20 आदमी ले लिया आई कहानी दो साल हां बिल्कुल थे कटवाया जी मैं 10 एम का कास्तकार हूं दर्शन हमारा नाम है जी हम 1 महीने से पानी आया है बहुत दुखी हूँ रात के 4 दिन लगातार रात जाफा निकाले हमारे कास्तकार गए थे वहाँ उन्होंने मार पे मतलब भगा दिया उनको धमके दिए मतलब परेशान हो मतलब परेशान बहुत परेशान बहुत परेशान कितने हम तो हमेशा ही परेशान टहल पे है ये तो हमारे को दुख दे रहे हैं। हाँ और कटाई है जो नियमानुसार हो रही है या क्या हो रही है नहीं नहीं नियम अवैध है बिल्कुल खुद वन विभाग मान रहा है कि अवैध है बातचीत हुई डीएफओ हुई है सबसे हुई है अवैध है लेकिन कोई रोकने वाला नहीं है क्योंकि सरकार का हाथ है और जब सरकार जिसकी वो चलती है उसकी अब क्या करे जिसकी लाठी उसकी भैंस वही सिस्टम है। अभी जगह में पीछे देख पा रहे हो राजकीय माध्यमिक विद्यालय संतोष नगर में मैं आ चुके हूँ और जके डिबेट के मायने जके अध्यापक की बात हो रही है यही है तो आप जाना पृष्ठभूमि पर कि आ सके काल के चीज हुई तो पहले तो आपको शुभ नाम के हैं मारा नाम पंकज दान देता। अच्छा पंकज दान जी मतलब थे सरकारी शिक्षक पर अभी मतलब कार्यरत हो अध्यापक लेवल 2 3rd ग्रेड पर। अच्छा और जागनवाड़ा में ड्यूटी थारी राज की उच्च माध्यमिक विद्यालय जागनवाड़ा क्यों कोई दुश्मनी पर्सनली कोई नहीं 8 साल से नौकरी वहाँ कर रहा हूँ पहली पोस्टिंग वहीं से है। अच्छा जागनवाड़ा में 8 साल सुबी जगह काम कर रहे हो मतलब कि 25 मार्च 2015 से
वहीं पे। नौबत की आई कि आखिर जो अकाल थाना मतलब बंदी बनाई हुई है सुनने में आई है इसका, तो मेरे खुद कोई पता नहीं चला, कोई ये पता रहते कि गांव वालों ने उनके साथ झगड़ा किया। मेरे को तो उस चीज़ का कोई नॉलेज नहीं था, अगर ऐसा नॉलेज होता कोई झगड़े का तो हो सकता मैं स्कूल भी नहीं जाता। मेरे को कोई पता नहीं था, मैं मेरे स्कूल में अपने अध्यापन कार्य करवा रहा था, 15-20 लोग आए सीधे कक्षा कक्ष में, तो वहाँ हल्ला हुआ। तो फिर जो उस समय पास में टीचर थे वो एक जने आए ऑफिस में गए, फिर ऑफिस में भी वो लोग घुसे, हालांकि मारपीट हुई नहीं लेकिन मारपीट का प्रयास किया, धमकियाँ दी कि भाई टांगे तोड़ देंगे, बाहर निकलो, ये कर देंगे, वो कर देंगे। फिर किसी भी तरह बीच बचाव किया टीचरों ने, और उसमें उन टीचरों से भी बदसलूकी की गई, जिसके कारण एक टीचर ने तो अपना डेपुटेशन करवाया है। नाम सुन ना मांगो, उनका नाम नितेंद्र कुमार शर्मा है। अच्छा, और फिर मेरा तो उस दिन हुआ तो पुलिस थाने फ़ोन किया, फिर पुलिस टीम आई, उन्हीं ने मेरे को वहाँ से बचाया, वहाँ से सुरक्षित छोड़ा। उसके बाद शिक्षा विभाग ने मेरा डेपुटेशन आज यहाँ कर दिया है संतोष नगर। अच्छा, मैं जानना चाहूँगा प्रधानाचार्य वो के नाम है, प्रधानाचार्य वो के रवैया हो रही हो, मतलब काल जो घटना हो रही जागनवाला स्कूल में। देखो उस समय तो उनका रवैया ये था कि मेरे को बचाने का था, बीच बचाव कर रहे थे, लेकिन मैं उस संस्था में अगर नौकरी कर रहा हूँ तो संस्था प्रधान की सबसे पहले जिम्मेदारी बनती कि मैं उसका कार्मिक हो, तो जो FIR मैंने दर्ज की है वो उनकी तरफ से होनी चाहिए थी। के नाम के है प्रधानाचार्य को? मोहम्मद रफीक जी। मोहम्मद रफीक जी कठुआ है, वो राजगढ़ चूरू से। अच्छा, और हम लोग प्रधानाचार्य नहीं है वो। हाँ, मतलब ऐसे कि हमारी स्कूल पहले थी UPSC स्कूल, मतलब कि उच्च चार्ज है, और अभी स्कूल हुई है उच्च उच्च माध्यमिक हो गई, तो वो जिनके पास चार्ज था वो चार्ज है, प्रिंसिपल तो कोई है नहीं। नहीं, शारीरिक क्षति नहीं पहुंचाएगी, हो सकता था, लेकिन वो मैं कह रहा हूँ कि वो जो मौजूद उसमें तीनों टीचर थे बचाने का प्रयास कर रहे थे, तो उनके साथ भी धक्का मुक्की हुई है, मतलब कि बीच बचाव में, लेकिन कोई वो चोट वाले या ऐसे हाथ उठाया नहीं गया, सिर्फ धमकियाँ दी गई। फिर उन्होंने बाहर स्कूल के बाहर घेराव कर दिया था कि भाई इस टाइम तो है, स्कूल टाइम के बाहर तो बाहर निकलोगे। वो चौराहे पर आकर बैठ गए थे, कोई 150 आदमी बच्चों ने आके वापस बताया, तो बच्चे कोई घूम के आए वहाँ से, वो पिकअप में कोई लाठियाँ इंटे लेकर बैठे थे। फिर मैंने लास्ट में फ़ोन तो उसी समय कर दिया, लेकिन पुलिस टीम भी काफ़ी लेट पहुँची थी, लगभग 3:30-4 बजे के बीच में बजू थाने टीम आई। और उसके बाद अंतिम प्रश्न रहेगा मेरे, जो थे नहर पर जो वार्ता हुई और बिना मतलब भी वार्ता लेके थाने टारगेट कर हुए हैं, लेकिन हाँ नहर की जो बातचीत हुई है, नहर पर कभी थे गया, अभी दिन गया या अभी दो दिन पहले गया? दिखाई नहीं कि पाँचवाड़ा वो खड़ा कहाँ है, फाड़ कहाँ है, मेरे कभी नहर का मतलब नहीं, मैं क्यों जाऊँ ना, मैं खेती का काम करता हूँ, मेरा काम है स्कूल का अध्यापन करना, सुबह जाता हूँ शाम को आता हूँ। गलती इतनी हुई कि संतोष नगर गांव बांगो विरोध करो, और मैं संतोष नगर का निवासी हूँ, बस इसी कारण गलती हुई। तो ये सरकारी शिक्षक है जगांगो, मतलब साफ तौर पर बयान है कि एक अनजानपणे में ये आपको शिक्षक कार्य कर रहा है, लेकिन तुरंत कुछ आदमी आवे तो आदमी जाहिर सी बात है कि बौखला भी जावे, लेकिन आंगो कोई लेनो देनो को नहीं हो नहर से, बस गलती इतनी है कि संतोष नगर का निवासी है बे विरोध कर रहा बी चीज़ को, जबकि DFO साहब है आपके बयान में स्पष्ट करो है। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, नमस्कार।